लेकिन मैं फिर भी एक बार तेज तेज करा देता ठीक है और पढ़ लोगे तो फिर थोड़ी सी ठीक रहेगा अच्छा लगेगा तुम्हें देखो दर। और जो क्या जो जो इसके के नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन है ना इस बार पूछे गए वो एक क्लास में और लेके खत्म कर देंगे फिर पोर्शन ठीक है देखो सर इसमें क्या है देखो टेन की वैल्यू जा रही है तो टेन के केस में देखो मैं आपको एक जनरल सी बात बता देता जनरल सी बात क्या है भाई आ, अगर साइन का और कोस का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप कोशिश करोगे जीरो नाइनटी रखने की ठीक है जीरो नाइन्टी रखने की और टेन का अगर क्वेश्चन है तो कोशिश करोगे आप सबसे पहले जीरो या फोर्टी फाइव रखने ठीक है टेन का क्वेश्चन अगर आ रहा है ठीक है तो आप इन बातों पर थोड़ा सा रूबरू हो जाए एक बार मैं आपको फटाफट बताते जाता हूँ क्योंकि मैं ना मान लूंगा कि आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है ठीक है और बात समझ आ रही है तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे देखो सर अगर यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है आपको तो आप इसमें पुट कर दो जीरो अगर हमने थीटा की वैल्यू देखो जीरो पुट की तो टेन जीरो जीरो तो वन प्लस जाएगा जा। और साइन जीरो जीरो वन प्लस जीरो साइन जीरो जीरो वन माइनस जीरो तो वन इंटू तो वन इंटू वन तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर वन जल्दी नोट करेंगे और मुझे बताते जाएंगे तेज बताऊंगा मैं थोड़ा सा आपको ठीक है हाँ वो भी कराऊंगा रवि डोंट वरी ठीक है इसकी बहुत ज्यादा सिरदर्दी कर रखी थी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इसे पढ़ा इसे पढ़ा पढ़ा दो दो ये मतलब हमने पढ़ाया लेकिन फीलिंग सी नहीं आए, नहीं क्या क्या, क्या वो बोल रहे थे ठीक है नंबर तो सेकंड तो देखो फटाफट देखो? देखो।, देखो, फटा -फट। देखो ध्यान देना आप बस मेरी बात पर आप क्वेश्चन तो उड़ाते चले जाओगे फिर थीटा की वैल्यू इसमें नाइनटीन पुट कर सकते इसमें जीरो नहीं पुट कर सकते क्योंकि कोर्ट है देखो इसमें नहीं पुट सक, कर, कर सकते क्योंकि टेन है इसमें क्या नहीं पुट कर सकते जीरो क्योंकि कोर्ट है बात समझ आई भाई सकते इसमें देखो क्या पुट करोगे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे भाई इसमें हम नाइन्टी तो कोट नाइन्टी जीरो कोस नाइन्टी जीरो और वन प्लस जीरो तो वन इंटू वन इंटू वन आंसर हो गया वन क्लियर श्योर क्या लिया अब देखो तीसरे में क्या करोगे और कोस का क्वेश्चन है थीटा बराबर जीरो पुट कर दिया एक्स बराबर ए हो गया वाई बराबर जीरो हो गया तो ए अपॉन एक्स बराबर ए है तो एक्स की जगह अगर ए पुट करें ए से कट जाएगा इसके बार टू बाई थ्री वैल्यू आएगी वन वाई की वैल्यू जीरो है जीरो अपॉन समथिंग जीरो वन प्लस जीरो बराबर एक आंसर एक क्वेश्चन नंबर तीन का थोड़ा ध्यान समझना है चीजों को रिलाइज करना है देखो सर अगर मैं कहूं आपसे a प्लस बी का होल क्यूब तो कहोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए बी स्क्वायर ये होता हम्म अब देखो भाई अगर ये तीन तीन वाला पार्ट काट दू इसका रूट ले लूंगा तो ये आ जाएगा और इसका रूट ले लूंगा तो ये आ जाएगा बस समझ आ रही है तो ऐसे इस वाले पार्ट पे ये बात ध्यान दोगे तीन तीन जो आता है वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है क्यूब का जिसमें आएगा अदरवाइज नहीं आएगा ठीक है तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझना ये क्या होगा तीन, तीन वाला पार्ट काट दे बच गया इसका क्यूब रूट लेंगे तो हो जाएगा साइन की पावर फोर ए और उसका क्यूब रूट तो साइन स्क्वायर ए क्यूब कर दिया बराबर माइनस एक है अब यहां तो से देखोगे तो कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर एक है तो उसे उस तरफ ले गया तो कोस ए बराबर हो जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर तो कोस ए बराबर हो गया साइन स्क्वायर ए स्क्वायर कर दूंगा तो कोस क्यूब स्क्वायर ए बराबर साइन की पावर फोर है से प्लस को स्क्वायर है मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों को जोड़ दिया तो बराबर होगा साइन स्क्वायर है साइन की पावर फोर है तो देखो जब इसकी वैल्यू वन है तो इसकी वैल्यू भी वन होगी तो वन की पावर थ्री माइनस वन आंसर हो गया जीरो करो बात समझ आई भाई कोस स्क्वायर इस तरफ ले आए तो वन माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा और ये कोस की पावर जो फोर ए है इसमें कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर कर दे कोस स्क्वायर जाएगा नीचे तो कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर है बराबर टेन स्क्वायर ठीक है तो कोस स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर स्क्वायर कर दे कोस की पावर फोर ए और प्लस बराबर होगा टेन की पावर फोर ए तो दोनों को जोड़ देंगे तो कोस स्क्वायर है प्लस कोस की पावर फोर ए बराबर टेन स्क्वायर है प्लस टेन की पावर फोर ए बराबर है तो आंसर एक होगा क्योंकि ये बराबर एक है क्वेश्चन नंबर सात अब देखो एक्स की वैल्यू अगर जीरो करोगे हो जाएगा तीन ये हो जाएगा छह और ये हो जाएगा चार और आंसर हो जाएगा तेरा क्वेश्चन नंबर सात का बताओ समझ आएगी बात क्वेश्चन नंबर सात बताओ समझ आएगा बात तो क्वेश्चन नंबर आठ जो है इसमें अगर पुट कर देस एन नहीं है, है? पुट करोगे तो तो जीरो जीरो तो देखो मैं पेपर में बता रहा हूं कैसे करना क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ चुके तो इसी वजह से थोड़ा सा तेज बता रहा हूं ठीक है अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत करेगा तो पूछ लेना एक्स एन की वैल्यू वन है इसका मतलब एक्स वन भी वन है एक्स टू भी वन है एक्स थ्री भी वन है सारे वन है तो एक्स सिक्स भी वन है एक्स फोर भी वन है यहां पुट करोगे तो दो माइनस तीन प्लस एक और आंसर हो जाएगा जीरो बोलो क्वेश्चन नंबर जो नाइन आपको दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा आप एक बार ऐसे नोट कर लो फटाफट फिर बताना ओके okay, करवा देंगे देखो इसका सबसे आसान तरीका बता दो तुम्हें जो तुम्हारा दिल बाग बाग कर जाए क्वेश्चन नंबर नौ का देखो सिर्फ ये बात बताओ साइन थीटा कोस थीटा के सामने कितना लिखा हुआ है एक तो बेटा एक का स्क्वायर कितना होता एक तो आंसर हो गया इससे छोटा बता दो कोई बता देना हमें देखो सर तो आप डिटेल देखना चाहते हैं डिटेल में मैं बता देता आपको देखो इससे डिवाइड करा दो पूरे को साइन कोस से तो ये जाएगा एक्स साइन क्यूब अपॉन साइन इंटू कोस वाई कोस क्यूब अपॉन साइन इंटू कोस और ये वन तो कोस से कोस कट गया तो दो बचेगा साइन से साइन कट गया दो बचेगा तो एक्स अपॉन कोस इंटू साइन स्क्वायर वाई अपॉन साइन इंटू कोस स्क्वायर बराबर एक तो hmm. कंपैरिजन so, करा दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक से तो so, यहां भी एक है और यहां भी एक है तो so, इसकी वैल्यू जब एक होगी तो एक्स बराबर हो जाएगा कोस थीटा और वाई बराबर हो जाएगा साइन थीटा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोल रहा है तो कोस स्क्वायर थिएटर प्लस साइन स्क्वायर और आंसर होगा एक तो क्यों हम इतना लंबा करेंगे बताना जरा भाई एक बार सोचो और बताओ आ? जल्दी बोलो जल्दी फटाफट अरे नितिन भाई है क्या कोई सा भाई यहां अरे भाई ये बच्चे बोले दे यार पीडीएफ के लिए एक बार देख लो ठीक है हम्म आप मैथ को इतना जी कैसे बनाते हो तुम लोगों के प्यार के कारण ठीक है थीके? तुम लोग तो इतना मुझे प्यार करते हो ना तो मैं सोचता हूँ फिर कई बार बैठ के कि नहीं और इतनी ओ जी और जी कहान और इजी कैसे दिया जाए और दिमाग पर जोर ही पड़े ठीक है अब ये देखो ये आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा कर दिया तो वन बाई थ्री हो जाएगा आर से आर कट गया ये हो जाएगा टेन अब टेन की वैल्यू अगर वन बाई रूट थ्री है तो यहाँ पुट कर दोगे बस इतना पुट कर देना रूट थ्री इंटू वन बाई रूट थ्री प्लस वन तो वन प्लस वन आंसर हो गया टू बोलो बात समझ आई ठीक है बड़ा सिंपल है बेटा मैथ बस फील करने का सब्जेक्ट है थोड़ा सा फीलिंग लेने की जरूरत है ठीक है चलो आगे तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर ग्यारह फटाफट खोल दो फटाफट बहुत तेज अगर इसे डिटेल में करोगे तो बहुत लंबा जाएगा और अगर आप इसे नॉर्मल कर लोगे ना तो बहुत आसान आ जाएगा भाई बहुत आसान बताओ करके फटाफट आंसर फटा बहुत तेज देखो इसमें कुछ नहीं करना सेटिस्फाई करा सकते अल्फा की वैल्यू जीरो कर दो बीटा की वैल्यू तीस तो जीरो प्लस तीस बराबर तीस होता ठीक है जब यहां जीरो पुट करोगे तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो तीन हो गया टेन तीस की वैल्यू वन बाई रूट थ्री होती तो यहां पुट कर दे एक तो रूट थ्री हो गया और एक वन प्लस तो तो आ गया चार बस इतने से कारण जो तुमको सुनाने ट्रिगो की वैल्यू टेबल है ध्यान देना केवल है पढ़ाते तो मैं जाऊंगा पढ़ना तुमको केवल है क्लियर बोलो क्वेश्चन नंबर बारह का आंसर तो फटाफट देखता हूँ कितना जल्दी देते हैं आप क्वेश्चन नंबर बारह का आंसर बेटा वो उसमें करवा दूंगा जब सेट करवाऊंगा ना दो एक दो सेट करवाऊंगा मैं तुम्हें तो उसमें बहुत कुछ आपको आ, मतलब समझ आ जाएगा चीजें ठीक है एक दो सेट करवाऊंगा मैं तुम्हारे वाले में तो समझ आ जाएगा बिल्कुल सही बात है एकदम देखो यहाँ जीरो है ये पैंतालीस है तो टेन जीरो जीरो टेन पैंतालीस एक टेन जीरो जीरो टेन पैंतालीस एक और माइनस एक कट गया तो आंसर आ गया वन ठीक है बताओ बात समझ आई एकदम क्लियर डन हो गया एकदम चलो अगले क्वेश्चन पे देखो क्वेश्चन नंबर तेरह ठीक है देखो इसमें क्या करो थीटा बराबर जीरो पुट कर दो तो कोस जीरो की वैल्यू वन वन प्लस वन इंटू टू 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 प्लस टू फोर फोर का रूट टू टू प्लस टू फोर फोर का रूट टू टू प्लस टू फोर फोर का रूट टू तो मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू निकल कर आती टू कब आती टू जब हम थीटा की वैल्यू जीरो पुट करते क्या पुट करते जीरो अब देखो अगर यहाँ जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो जीरो मतलब मैच नहीं कर रहा टेन जीरो जीरो मैच नहीं कर रहा यहां पुट करेंगे कोस जीरो वन हो गया हमें कितना चाहिए टू तो टू इंटू वन कितना हो गया टू तो सिर्फ डी पे मैच करा इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा पूरा मत करना बिल्कुल भी भूल के भी ठीक है ऑप्शन डी आंसर होगा टू थीटा बिल्कुल ठीक है भाई बताता कोस और साइन क्वेश्चन में जीरो नंबर में से कुछ भी डाल लेना जो मर्जी तुम्हारी कितनी बार रिपीट करवाओगे रे में लोगो हैं आंसर बताओ इसमें पूछेगा आपसे इज इक्वल टू एम है और आपसे पूछेगा फाइंड एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस थ्री करो जल्दी फटाफट बोलो Vou roteir देखो कुछ नहीं करना कोसेक और सेक का क्वेश्चन है तो इसका मतलब जीरो नब्बे नहीं पुट कर सकते तो जीरो नब्बे नहीं पुट कर सकते तो तीस पैंतालीस और साठ बचता तो मैं इसमें एक वैल्यू पैंतालीस पुट कर देता जो आप तीस साठ पर रखना चाहते रख सकते कोसेक फोर्टी फाइव के लिए रूट टू वन बाई रूट टू इज इक्वल टू एल होगा तो एल इज इक्वल टू वन बाय रूट टू होगा ठीक है अब यहाँ पुट करोगे तो रूट टू माइनस वन बाय रूट टू इज इक्वल टू एम होगा और वन बाय रूट टू होगा समझ आई तो बस पुट करो यहाँ वन, वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू प्लस थ्री तो देखो आधा आधा एक और तीन चार तो ये हो गया एक बटा चार और गुणा में चार चार से काट दिया चार आंसर आएगा एक बोलो खोपड़े बात आई क्लियर बोलो बोलो छोटे बच्चे नन्हे सुंदर सुंदर बच्चे बोलो सही है चौदवा तो क्वेश्चन नंबर पंद्रह क्वेश्चन नंबर पंद्रह करो फटाफट भाई कुछ है ही नहीं अभी तो पढ़ाया था जबरा मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी ठीक है तो ये देखो क्या है अगर ए की पावर फोर माइनस बी की पावर फोर बराबर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा अब देखो ध्यान से तो इसे कोस स्क्वायर की पावर चार कोस की पावर फोर माइनस साइन की पावर फोर है तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर पहले चेक करेगा एक और गुणम हो जाएगा खाली क्या कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर भी दो बटे हो जाएगा रीजन समझ आ गया होगा क्योंकि यहाँ कोस की पावर चार माइनस साइन की पावर अगर चार करोगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस हो जाएगी वन तो इसकी वैल्यू दो बटे तेरह बच जाएगी कोस स्क्वायर माइनस स्क्वायर तो यहाँ पुट करोगे तो दो बटे तेरह प्लस एक तो पंद्रह बटे तेरह आंसर हो जाएगा बोलो आकाश सिखा निशु ठीक है चलो और थोड़ा सा देखो क्वेश्चन नंबर सोलह तो सोलह में क्या करना है भाई पहले पूछ रहा है तो ब्रेक कर दो हम्म ब्रेक कर दो देखो फाइव फाइव जो साइन है मैं उसे लिखना चाहता हूं टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कोस स्क्वायर थीटा और बराबर चार तो टू साइन स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा इन दोनों से थ्री बराबर चार तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक बटा दो साइन थीटा बराबर वन बाय रूट टू तो आंसर हम्म चेक करो क्लियर सत्रह देखो सत्रह में क्या है साइन जीरो जीरो साइन जीरो जीरो कोस जीरो वन तो आंसर होगा पांच क्लियर ठीक है भाई अब अगला देखो देखो क्या है इसमें पी एक्स बराबर क्यू तो साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन पी ठीक है तो साइन एक्स इज इक्वल टू अगर क्यू अपॉन पी है तो देखो यहां से फटाफट एक बार क्यू हो गया पी हो गया तो टेन की वैल्यू देखो कितने आगे टेन होता परपेंडिकुलर पोर्न बेस क्यू बच गया आंसर ठीक है चेक कर लो फटाफट देख के बताओ बहुत अच्छे से उन्नीसवा क्वेश्चन करो जल्दी देखो साइन जीरो जो बराबर होता है वो कोस नब्बे के होता साइन तीस बराबर होता कोस साठ के साइन पैतालीस बराबर होता कोस पैंतालीस के साइन साठ बराबर होता कोस तीस के हम्म साइन नब्बे बराबर होता कोस जीरो के सम देखो नाइनटी सम देखो नाइनटी सम देखो नाइन्टी सम देखो नाइनटी सम देखो नाइन्टी सबका सम नाइनटी तो सब है तो सबका सम 90 है तभी साइन बराबर किसके है? कोश के है. तो साइन बराबर कोस के हो सकता केवल कब जब इनके एंगल का सम कितने डिग्री होगा 90 होगा बस ये बात ध्यान रखना काम आएगी कि फुटूरे में पूरा अब देखो यहाँ अगर यहाँ की बात करूं तो सेक 17 है तो क्या इस आप को सत्रह नहीं कह दोगे क्योंकि तिहत्तर है तो साइन तिहत्तर बराबर पक्का कोस सत्रह के होगा क्योंकि एंगल का सम कितना है नाइन्टी है बस समझ आ रही है तो एक तो ये बात ध्यान देने की है दूसरी बात क्या है देखो यहाँ पे साइन का मतलब होता पौन है परपेंडिकुलर अपनोटनेस राइट एंगल ट्राइंगल बने वैल्यू होती है और ये उल्टा हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन वाई तो वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर तो माइनस के जा स्कुर्यार, स्कुर्यार अंदर जाएगा जाएगा से अपॉन अंडर रूट ये आंसर हो बोलो बात समझ आए क्या क्लियर क्लियर है भाई बिल्कुल एकदम जल्दी बताओ फटाफट क्लियर बीसवा देखो बीसवा सिंपल सिंपल बीस देखो सेक माइनस टेन क्या है सेक माइनस टेन तो सेक माइनस टेन बराबर अगर टू है तो ध्यान देना हमेशा लिखेंगे आप सेक प्लस टेन बराबर वन बाय टू क्यों लिखेंगे रीजन बताऊंगा सुनना ध्यान से पहले कट जाएगा तो टू सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टू प्लस वन बाय टू मतलब फाइव बाई टू तो इसका मतलब दो से ये पार्ट नीचे जाएगा तो टू सेक्सर में सेक्स फीटर हो जाएगा फाइव बाई फोर बात समझ आ रही फोर हो गया अब देखो ध्यान दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आप लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी तो अगर मैं इसी तरीके से आपको यहां समझा दूं थोड़ी सी बात क्या देखो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता भाई एक के तो यहीं से आप कह सकते सर सेक्स थीटा प्लस टेन और इंटू सेक थेटा माइनस टेन ठीक है बराबर हो गया एक के तो जब इसकी वैल्यू दो है तो इसकी वैल्यू तो एक बटा दो होगी तभी तो गुणा होगा एक बनेगा भाई अगर ये दो होगा तभी एक बटा दो होगा मतलब एक दूसरे के रहसी प्रोकल होते बस ये बात थोड़ी सी दिमाग में उठाने की जरूरत है थोड़ी सी भाई ठीक है अगर थोड़ी सी बात दिमाग में आती तो पक्का मामला एकदम आपको समझ आ जाएगा कि सर अगर ये ए होगा तो ये पक्का फिर वन अपन ए होगा ठीक है और अगर ये ए होगा तो ये पक्का वन अपोन ए होगा तभी बन सकते मतलब एक दूसरे के रसी इन दोनों को होना जरूरी है जरूरी है अब देखो इक्कीस में थीटा की जगह आप लिख दोगे वन प्लस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और बराबर सात तो दो टेन हो गए और इसे इस तरफ भेजोगे तो छह हो जाएगा दो से कटेगा तीन बार तो टेन थीटा बराबर रूट थ्री टेन साठ तो थीटा बराबर साठ डिग्री तो इसे भी आप तोड़ दोगे तो सेक स्क्वायर और माइनस टेन स्क्वायर कह देंगे और इंटू सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर कह देंगे ठीक है तो अब आप एक सोच के बताओ सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो वन होता है इसकी वैल्यू सात बटे बारह तो बच्चा बताते अगर अन्ना मुन्ना खेलता होगा कि सर कंप्लीट आंसर ही सेवन बाय ट्वेल्व होगा ठीक है चौबीसवा सेम है देखो थीटा को लिखो को कोट स्क्वायर थीटा प्लस टू कोट स्क्वायर थीटा और बराबर दस के भाई ये इस तरफ आएगा तो नो हो जाएगा तो तीन कोट स्क्वायर थीटा बराबर नो होगा तो कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा रूट तीन हो जाएगा और कोट में रूट तीन किसकी वैल्यू होती भाई तीस की थीटा बराबर थर्टी होगा टेन थर्टी होता है तो उल्टा करोगे कोट बन जाएगा तो इसका मतलब कोट रूट तीन थी। ठीक थी। है तो पीडीएफ में अभी आपको डलवा देता हूं इस पीडीएफ में सो क्वेश्चन है पूरे एग्जैक्ट वन जीरो जीरो तो क्वेश्चन है और आप ये करके देखना ठीक है जो पोर्शन आपको लगेगा कल मैं आपके डाउट लूंगा सीधा बोलूंगा एक से लेके पचास और फिर पचास से लेके सो और जो पूछना होगा पूछ लेना जितने क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे अगले क्लास में आते ही खत्म करना है ठीक है चलो टाटा थैंक यू मीट यू बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर